सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया और हवन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन का कार्य शुरू कर दिया है। और पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद सेंगोल को संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल स्थापित किया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने संसद के निर्माण में शामिल श्रम योगियों का सम्मान किया। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर पूजन में शामिल हुए। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का स्पेशल सिक्का और स्टाम्प जारी करेंगे। बता दें, नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। आज का दिन बेहद ही खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, आज देशवासियों को बेहद ही खास सौगात मिली है, प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश को पहली हाईटेक जो पार्लियामेंट्री हाउस मिली है, अगर बात करें तो इसकी सोच जो है 32 साल पहले ही रखी गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। उस समय जो लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल ने संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को बुलाकर इसके बारे में सलाह मशवरा की थी और आगे बातचीत बढ़ाई थी कि देश को एक नए संसद भवन की जरूरत है। अगर बात करें तो 32 सालों बाद ये सपना इस सरकार में पूरा होते आया है। करीब 2.5 साल लगे हैं नए संसद भवन को और लगभग 1,000 करोड़ रुपये रकम बाकायदा इस हाईटेक संसद भवन को बनाने में खर्च हुई है। सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन आते हैं, पूजा कार्यक्रम शुरू होता है। उसके बाद जो तमिलनाडु से जो लोग आए थे, मंत्रोच्चार के बाद जो है सिंगोल प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर के आसन के पास इसको स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो अभी फिर से 12 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन का रुख करेंगे और तकरीबन 1 बजे जो 75 रुपये के सिक्के की बात चल रही है, जो जारी करने की बात चल रही है, आज उस 75 रुपये के सिक्के के साथ एक मुहर भी जारी करेंगे। और 75 रुपये का सिक्का अपने आप में बेहद ही खास है। जहां एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, 75 साल आज़ादी के पूरे हुए, देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वही नई संसद भवन मिलने से ये देश कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और उसी सिलसिले में आज 75 रुपये का सिक्का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया जाएगा और बाकायदा एक मुहर भी जारी की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति धनखड़ का भी संबोधन होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का भी संबोधन होगा। अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर भी यहां सभी को संबोधित करते हुए दिखाई दे सकते हैं और अंत में सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस नए संसद भवन का कोई नाम भी सुझाव दे सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं। और कई हस्तियों को इस उद्घाटन समारोह में बुलाया गया था, तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया था, लेकिन करीबन 20 राजनीतिक पार्टियों ने, जो विपक्षी दल है, उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। विवेक, ये जो देश को नए संसद भवन की सौगात मिली है, इसकी क्या कुछ खासियत है? देखिए, अब बात की जाए तो ये अगर परिसीमन के हिसाब से इस संसद भवन को बनाया गया है, लोकसभा में 888 सीटें हैं, 384 सीटें यहाँ पे राज्यसभा में दिखाई गई है। और देखा जाए तो जिस तरीके से पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो वो अंग्रेजों के समय का था, काफ़ी पुराना था। और जिस तरीके से यह बात की जा रही है, या ये जो संसद भवन काफ़ी स्पेशियस है, लोकसभा में कुल 888 सीटें हैं, अगर भविष्य में कभी लोकसभा या राज्यसभा का जो परिसीमन होगा उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त साबित होगा। अगर बात करें तो क्या कुछ चीज़ें इस संसद भवन में हुई है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
उसके बारे में तमाम चीजें हैं जिस प्रकार से राजस्थान या फिर तमाम जो देश की जो संस्कृति है इस संसद भवन में उसको हिस्सा बनाया गया है ताकि उन संस्कृति को जो है संसद भवन में बाकायदा दिखाया जा सके। मोर की जो कलाकृतियां हैं वो संसद भवन में सीटों के साथ साथ दीवारों पे भी आपको दिखेंगी। और जिस तरीके से ये नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, सबसे पहले तो सिंगूल की बात की जाए जिस पर काफ़ी जो है प्रतिक्रिया विपक्ष की भी आई थी कि ये लोकतंत्र का नहीं राजदंड का प्रतीक है, तमाम ऐसे बातें हुई थी। लेकिन बाकायदा मंत्रोच्चार के बाद जो तमिलनाडु से जो पुजारी आए थे उन्होंने मंत्रोच्चार के बाद पूजा अर्चना के बाद ये संगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, उसके बाद लोकसभा स्पीकर के आसन के पास इसको स्थापित कर दिया जाएगा। हालांकि कोई विशेष परिस्थितियों में इसको निकाला जाएगा ये भी बात बताई गई है। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से दोनों सदनों में जो सीटें हैं सदस्यों को बैठने के लिए वो काफी पर्याप्त है। भवन बाकायदा तीन मुख्य द्वार हैं जिसको ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाने जाएंगे। बकायदा अगर बात की जाए तो जो लकड़ी यूज हुई है संसद भवन में जो सीट बैठने के लिए वो महाराष्ट्र से मंगाई गई है, नागपुर के स्टील संरचना मंगाई है, दमन और दीन से कुछ चीजें मंगाई गई है। यानी इस नए संसद भवन में पूरे देश की संस्कृति जो है वो वास करती है, उसका निवास है। यानी इस संसद भवन में अगर उसमें यह पता चलेगा कि पूरे देश से कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है जो पूरे देश की एकता और विविधता को बताता है। विवेक, देखें तो आज प्रधानमंत्री मोदी 75 का सिक्का भी जारी करेंगे, तो इस सिक्के के बारे में कुछ बताएं, उसकी क्या कुछ खासियत होगी? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव और नई संसद भवन मिलने के उपलक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आज एक 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। और जिस तरीके से बात करें इस सिक्के के अलावा एक मुहर भी जारी की जाएगी। अगर देखें तो ये सिक्का 50% जो है चांदी से बना हुआ है, 40% तांबे से बना हुआ, जबकि 5% निकिल और 5% अन्य धातु से मिला के सिक्के का निर्माण किया गया है। 40 मिलीमीटर में इसका क्षेत्रफल है, इसकी आकृति बाकायदा गोला कार आकृति की इस डिजाइन को बनाया गया है। अगर हम बात करें तो सिक्के के एक पहलू पे नए संसद भवन की डिजाइन उकेरी गई है और दाईं तरफ सिक्के के हिंदी के देवनागरी में भारत लिखा गया है और बाईं तरफ सिक्के के इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। इस तरीके से देखा जाए, हमने पहले भी कई सिक्के देखे हैं जिसमें अशोक स्तंभ लगा रहता था, तमाम तरह की चीजें थी। तो इस आज के दिन जारी होने वाले सिक्के को पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय से जोड़कर देखा जा रहा है और जिस प्रकार से चीजें की जा रही हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव और नए हाईटेक पार्लियामेंट हाउस के बनने के उपलक्ष्य में ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा, जो कि तमाम चीजें इसमें अंकित रहेंगी। मेहूरी विवेक, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ही उद्घाटन कर दिया और ये कार्यक्रम जो तमाम कार्यक्रम है कितने बजे तक चलेगा, कब तक का कार्यक्रम है? देखिए, दोपहर 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और अंतिम में जो संबोधन होगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। सबसे लास्ट में वो संबोधन करेंगे। अगर बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर के बाद उपराष्ट्रपति संबोधन देंगे, उसके बाद 12:07 पर राष्ट्रगान होगा, उसके बाद 12:10 पे खुद राष्ट्रपति संबोधन करेंगी और सबसे लास्ट में संबोधन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा गया है। उसके बाद 75 रुपये का सिक्का जारी होगा और तकरीबन 1:30 बजे कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें आज का दिन देश के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है। बता दें सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को नए संसद भवन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस बीच जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आज नई संसद भवन के बाहर खाप पंचायत आयोजन करने का फैसला किया है और इस आयोजन में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे पहलवानों ने आज दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत का आह्वान किया।
गया है। इसमें हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन के साथ जत्थेबंदियों के साथ ही कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन व खाप शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। इसके चलते हरियाणा में कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल धरना दे रहे पहलवान बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को देर रात पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सरकार हम पर दबाव बना रही है कि हम महापंचायत ना करें। हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस दौरान पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि महिला सम्मान महापंचायत रविवार को जरूर होगी। पुलिस ने दिल्ली भर में पहरा दे दिया है, लेकिन हम सभी से आग्रह करते हैं कि महिला सम्मान महापंचायत में शामिल हों। 11 बजे तक पूरी फोर्स हट जानी चाहिए। कार्यकर्ता तैयारी पर रहे अपनी। धन्यवाद सभी का। और पूरा पुलिस प्रशासन हमारी जो दिल्ली पुलिस रोक करेगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश ज्यादा पंगेबाजी में मत पड़े। हम नहीं कुछ कह रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि ये किसान संगठन के लोग डर गए। कोई भी फोर्स का आदमी रोकेगा उसी थाने में लोग जाएंगे। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं इस मुद्दे को लेकर पहलवानों ने भी अपने हक में समर्थन मांगा है। सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग शांति से अपने अपने घरों से समर्थन देने के लिए या अपनी बेटियों का अवसर बढ़ाने के लिए घर से आ रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जैसे हम ही लोग अपराधी हैं और ब्रजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों ने। हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। सभी देशवासियों को नमस्कार। जैसे आप सबको पता है, गवर्नमेंट द्वारा समझौते की बात चलाई गई थी, लेकिन समझौता नहीं हुआ क्योंकि जो चीज़ें ब्रजभूषण की जो अरेस्ट की मांग थी वो नहीं मानी गई। तो हमारी बेटियों ने ये बोला कि हम फैसला नहीं करेंगे, और हमने पहले भी बोला था कि हम अरेस्ट के बाद ही घर जाएंगे। तो सभी खिलाड़ियों ने भी और सभी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और जो कल हमारे समर्थन में जो महिला महापंचायत मातृशक्ति द्वारा नई संसद भवन के सामने सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है वो होने जा रही है, उसमें सभी देशवासियों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उसमें मातृशक्ति ज़्यादा हो। तो आप सभी से शांतिपूर्वक अपील है कि भाई शांति बना के आइए, हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हमारे इस प्रदर्शन को हिंसक बनाना। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, हमें शांति से आगे बढ़ना है। आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। पहलवानों के समर्थन में बता दें किसान उतर आए हैं, उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया है। कल ही ऐलान कर दिया था कि नए संसद भवन का घेराव करेंगे। वहीं सभी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया, बॉर्डर सील कर दिया गया। वहीं आपको दिल्ली और यूपी बॉर्डर से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी को जो कनेक्ट करता है बॉर्डर, वहां पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि आज दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन भी होना है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, लेकिन उससे पहले ये व्यवस्था क्यों की गई है ये आप तस्वीरें जरा देख लीजिए।
हालांकि राकेश टिकैत ने पहले से ही यहाँ पर बोल दिया था कि उसे दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना है और पहलवानों का समर्थन करना है, तो उसके ही जब ये उन्होंने आह्वान कर दिया था कि उनको दिल्ली जाना है, रात से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आप देखिए तस्वीरों में ये पूरा जो एक किले में तब्दील कर दिया गया है बॉर्डर को, आप देखिए किस तरीके से आगे क्रेन भी खड़ी है, हर एक पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बोल दिया था और रात ही उन्होंने 10 बजे एक वीडियो बाइक जारी करी जिसमें उन्होंने बोला कि रात में अब 10 बजे तक ये सभी सुरक्षा हटा ली जाए, नहीं तो अभी हम कार से आ रहे हैं व फिर नहीं तो हम ट्रैक्टर से आना शुरू कर देंगे। तो स्थिति देखिए किस तरह से बनी, हर एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है यहाँ पर, जो भी गाड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है जा रही है ये सुरक्षा कर्मी हर उस गाड़ी को, हर एक बसेस को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तस्वीरें आपको ऊपर भी दिखाना चाहूंगा, देखिए ये फास्ट लेन है जो कि हाईवे से ऊपर वाला जो रोड है यहाँ से भी निकलने की संभावना हो सकती है, तो इसके मद्देनजर सुरक्षा के मद्देनजर ऊपर से भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब देखिए तस्वीरें दो है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस है तो आपके राइट साइड में देखिए तो उस तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। कहीं ना कहीं जो अभी कुछ किसान नेता यहाँ पहुंचे भी हैं वो लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो जो नेता है राकेश टिकैत उनके कहने पर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि उनका कहना है कि पंचायत बैठकर फैसला लिया जाएगा, जो हमारे नेता यहाँ पर बोलेंगे उसी तरीके से यहाँ पर सभी चीजों का निर्णय लिया जाएगा। तो हमारे साथ देखिए किसान नेता भी हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या लग रहा है आप लोग यहाँ पहुंचे हैं अभी। अभी आ रहे सब लोग, पुलिस का बड़ा दबाव है, पुलिस ने बड़ा आतंकित कर रखा है, किसानों को घर पे जाके छापे मारे घेर के बैठे घर से निकलने नहीं देती पुलिस। देखिए किसान क्या लगता है कि अभी राकेश टिकैत कब तक पहुंच पाएंगे? राकेश टिकैत पहुंचेंगे और हम भी पहुंचेंगे और किसान फिर दिल्ली पहुंचेगा, क्योंकि जो समय बताया गया था उस समय से अभी लगभग देरी हो रही है। तो क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए? सुरक्षा मद्देनजर नहीं है, सुरक्षा जबरदस्ती घरों तक पहुंच गई, रात को सोने नहीं दिए, रात को बच्चे डर रहे सबके, किसानों के चार चार छह छह पुलिस वाले हर घर में बैठे, तो देखिए कितना बड़ा आतंक, नजर बंद कर दिया गया, नजर बंद कर दिया गया, कितना बड़ा आतंक। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नए संसद भवन की सौगात दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में किसान प्रदर्शन की तैयारी में हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या किसान पहुंच चुके हैं? देखिए अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत किसानों के साथ जो है कल उन्होंने बाकायदा बीकेयू ने ऐलान कर दिया था कि 11 बजे तक जो है वो नई संसद भवन जो उद्घाटन समारोह है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपना एक प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए जिस प्रकार से एक महीने से ज़्यादा हो गया है देश के पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उधर तरफ अगर बात की जाए तो बिजभूषण शरण सिंह पर बाकायदा पास्को एक की तरह मुकदमा लिखा गया है, लेकिन वो गिरफ्तारी की मांग पर पहलवान अड़े हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से आज महापंचायत बुलाई गई थी, महिलाएं भी इस महापंचायत में शामिल होने वाली थी, लेकिन कल से ही दिल्ली पुलिस के द्वारा बात करें तो जो बॉर्डर है, जो सिंधु बॉर्डर है और जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर बाकायदा बैरिकेटिंग करके महिलाओं को गाड़ियों से उतार दिया गया। जहाँ से महिलाएं आ रही थी हरियाणा में, वहाँ गुरुद्वारों के बाहर जो है पुलिस फोर्स लगा दी गई ताकि महिलाएं एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। महिलाओं के लिए बाकायदा एक बस की व्यवस्था की गई थी कि गुरुद्वारे से वो निकले, बस में चले और सीधे दिल्ली की तरफ कूच करें, उसके बाद दिल्ली जाके जो है पहलवानों के साथ इस धरने में शामिल हो जाए। जब महिलाओं को रोका जा रहा था तो ये बात पहलवानों को पता चली और कल बाकायदा विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बड़ी बात कह दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से रोका जा रहा है महिलाओं को यहाँ आने से, महापंचायत में आने से रोका जा रहा है, जो लोग हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको जो है रोका जा रहा है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की भीड़ न जुटाई सके और हमारे आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन यह महापंचायत कल हो के रहेगी और आज 11 बजे का अल्टीमेटम भी बाकायदा किसान नेताओं के द्वारा दे दिया गया कि 11 बजे तक सारी पुर्जे हटा ली जाए और हमें जो है ये आंदोलन धरने पर बैठने के लिए अनुमति दी जाए। जिस तरीके से देखा जाए कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उससे 5:30 बजे सुबह से लेकर 3:30 बजे दोपहर तक दिल्ली पुलिस काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। बात करें तो आज दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई, जहाँ सिर्फ जो यातायात के साधन है वो परिवहन विभाग के यातायात के साधन होंगे, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम है वो परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे और जो दिल्ली के निवासी हैं वो जो है आपको दिल्ली में घूमते हुए मिल सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली का निवासी नहीं है, जो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है उनको जो है रोका जा रहा है ताकि किसी प्रकार
प्रकार की कोई भी अव्यवस्था जो है वो ना होने पाए आज नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में। जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन पहलवानों के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ा है, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भी इस बात पे चुप्पी बनाई हुई है। लगातार देश के प्रधानमंत्री से पहलवान अपील कर रहे हैं, लोग अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके बोले, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके खिलाफ जो है प्रदर्शन पहलवान अभी भी कर रहे हैं। कुछ महिलाएं आने वाली थी कई जगह से, जो इन महिला पहलवानों के साथ खड़ी होती, इस आंदोलन में भाग लेती और उनकी आवाज़ों को बुलंद करती। कुछ दिन पहले भी राकेश टिकैत यहाँ पे आए थे और पहलवानों को समर्थन देते हुए एक विशाल धरने का बात की थी, और आज वो दिन जो है राकेश टिकैत के समर्थकों के द्वारा उनके द्वारा लाया गया है। और जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि नए संसद भवन का वो घेराव करेंगे, उसमें पूरी तरीके से गृह मंत्रालय एकदम एक्शन मोड में आ रहा है, और 30 पुलिस की जो टीम है वो दिल्ली के चप्पे चप्पे पे बॉर्डर पे बाकायदा खड़ी कर दी गई है, ताकि ये लोग नए संसद भवन पर कूच न कर पाए। दोपहर 3:30 बजे तक ये फोर्स वहाँ पे तैनात रहेगी, उसके बाद वो फोर्स कम कर ली जाएगी। विवेक, आगे का रुख क्या हो सकता है पहलवानों का, उनके समर्थकों का, किसानों का? देखिए, अभी पहलवानों ने बकायदा अल्टीमेटम दिया है, और जिस तरीके से अब लग रहा है कि ये जो आंदोलन है वो पहलवानों के अलावा कोई और भी लीड कर रहा है उनके साथ। जिस प्रकार से BKU इस आंदोलन में लगातार उतर रही है, अपना समर्थन दे रही है, भारी जनसैलाब के साथ वो पहलवानों को समर्थन दे रही है, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अब इस आंदोलन को लीड करते हुए देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कल बता दिया था, BKU ने ये घोषणा की थी कि 11 बजे जो नए संसद भवन का घेराव करेंगे, और जिस तरीके से 11 बजने वाले हैं, अब देखना होगा कितनी भारी पुलिस बल के साथ, तमाम ट्रैफिक व्यवस्थाओं के साथ, किस प्रकार से BKU जो है पहलवानों के साथ नए संसद भवन पर कूच करेगा और नए संसद भवन पर अपना धरना प्रदर्शन करेगा, ताकि देश की नई संसद में जो आवाज़ जाए वो पहली आवाज़ पहलवानों की जाए, वो पहली आवाज़ उन नेताओं की जाए, BKU के किसान जो नेता हैं, समर्थक हैं, उनकी जाए, जो पहलवानों की हक की मांग के लिए खड़े हुए हैं। अगर बात करें तो संसद भवन ऐसा एक भवन है जहाँ पे देश की बात की जाती है, देश की राजनीति की बात की जाती है, उस जगह पे धरने प्रदर्शन की बात BKU और पहलवान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 11 बज चुके हैं, अब क्या जो स्टैंड जो है वो पहलवान लेते हैं, जो जनता मंत्र पर भी धरना दे रहे हैं, और BKU लेता है, जिन्होंने ये बात कही थी कि 11 बजे तक सारी फोर्स हट जानी चाहिए और वो नए संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, नई संसद के बाहर हंगामे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, 11 बज चुके हैं। वहीं कल ही ऐलान किया गया था किसानों द्वारा कि वो नए संसद भवन का घेराव करेंगे, और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, नए संसद के बाहर महिला पंचायत की कोशिश की जा रही, किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर सील किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे का रुख क्या होता है किसानों का, पहलवानों का, उनके समर्थकों का, और प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।